नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर के साथ आपके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो अब सामने आ चुका है और बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है, जहां पे ये कुढ़नी उपचुनाव की जो सीट है अब बीजेपी के नाम हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस सीट पे जेडीयू और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन सभी दाव पेच खेलते हुए जेडीयू इस सीट को हार चुकी है। हालांकि अब अगर हम बात करें महागठबंधन और जेडीयू और आरजेडी के साथ के, तो अब माना ये जा रहा है कि जेडीयू से नीतीश कुमार ने तो हाथ मिला लिया, लेकिन ये सीट उनके नाम नहीं आ पाया। क्योंकि अगर यहाँ पे इतिहास की भी बात करें तो जेडीयू ने बीजेपी के साथ पहले मिलकर इस सीट से चुनाव लड़ा था, जिस समय भी बीजेपी आरजेडी की जीत हुई थी, और अब फिर से वो एक बार आरजेडी के साथ मिलकर इस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उनके हाथ ये सीट नहीं आ पाई, बीजेपी के हाथ हो गई है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब ये समीकरण जो है बिहार का बदलने वाला है। ये सीट जेडीयू के नाम से महागठबंधन सरकार के हाथ से निकल चुकी है, अब बीजेपी के खाते में आ गई है। वहीं अगर बात प्रत्याशियों की करें तो मनोज कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव मैदान में खड़े हुए थे, और बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता जो जीत चुके हैं वो इस प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी से। अब अगर बात करें कि आखिर ये जो हार हुआ है नीतीश कुमार जी का, जो ये हार है ये किस वजह से हुआ है, तो इसमें एक बड़ा बात ये भी सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार ने तो शायद आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के समर्थक जो हैं वो दिल से शायद नीतीश कुमार का साथ नहीं दिए हैं, जिसके कारण आरजेडी की जीती हुई सीट जेडीयू के हाथ नहीं आ पाई है। तो अब ये नीतीश कुमार के सामने और जेडीयू के सामने एक बड़ा सवाल आके खड़ा हो चुका है कि आखिर अब वो आगे की सियासत में किस तरीके से बनेंगे और चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे। ऐसी ही तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।